सबके लिए जरूरी है। कम से कम पांच प्राणायाम सुबह एक और पसीने से नहाना चाहिए। सीधे बैठ जाएंगे सभी, कोई भी एक आसन, बायां पैर नीचे दायां ऊपर, इसको बोलते हैं सिद्धासन। क्या बोलते हैं इसको बोलो? बायां पैर नीचे दाहिना उसके ऊपर, एडी पर एडी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडी लो जंघा के बीच में, ऐसे सीधे बैठ गए। अब इसमें बैठ करके सामान्य रूप से जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, हमको धीरे करना है, लेकिन जो बच्चे हैं वो तेजी से करें ऐसे। दो मिनट कर लेना, ब्रेन के सेल्स को, आईज के सेल्स को, ईच एंड एवरी सेल की रिक्वायरमेंट है प्योर ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेल। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तो मेमोरी कैसी होगी बोलो? शार्प, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी रहेगी, आई की लेवल बढ़ेगा, आई साइट अच्छी रहेगी। जब आंखों के सेल्स अच्छे रहेंगे, स्किन्स के सेल अच्छे रहेंगे तो स्किन अच्छी होगी, नहीं तो डेड स्किन सेल्स इतने बढ़ जाते हैं फिर काला काला पीला बहुत बहुत बुरा हाल हो जाता है। स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, बोन मेरो के सेल्स, ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट के सभी सेल्स के बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन सेल कैन नॉट सर्वाइव, डेड हो जाएगा। जीवन शब्द को क्या कहा महर्षि पाणिनि ने? तो एक धातु है जीव प्राण धारणे, बोलो क्या है? जीवन का अर्थ है प्राणों का धारण करना। मृंग प्राण त्यागी, मृत्यु क्या? प्राण छूट जाना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? प्राण पर आधारित है सर। यस, जो जवान बच्चे हैं वो तेजी से भी कर सकते हैं। कैसे? आपके भी फेफड़े ऐसे स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग हार्ट, स्ट्रांग एक्शन, स्ट्रांग लाइफ। कहते हैं ये बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा ब्रेव है, बहादुर है, हमें बलवान बनना है, वीर बनना है। ये भस्त्रिका ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कम से कम दो मिनट तो सबको करना ही चाहिए। नेक्स्ट कपाल भाति, ये बहुत जरूरी है। ऐसे तो भस्त्रिका भी जब ऐसे दो तीन मिनट करते ना तो पूरा पसीना बहने लगता है। अभी तो मैंने कहा मैं दौड़ के भी आया, संत कुटीर से क्या करके आया मैं यहां तक आचार्य कुलम तक दौड़ के आया। क्यों दौड़ना चाहिए? दौड़ना इसलिए चाहिए, उससे शरीर में एनर्जी रहती है, पावर रहती है, और कैलोरी अच्छे से बर्न हो जाती है, और बॉडी अच्छी रहती है। 100 साल तक हमको बीमार नहीं होना। क्या बोला? 100 साल तक हमको बीमार, कमजोर और बुढ़ा भी नहीं होना। अब बचपन में, जवाने में बुढ़ापा कहाँ समझ में आता है, लेकिन जब वो आता है वो जाता ही नहीं है, फिर लेके ही जाता है साथ। जो योग करेंगे कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बुढ़े भी नहीं। एवर यंग। सीधे बैठो, सीधे ऐसे, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। देखो जीवन के सैकड़ों पहलू हैं, अनंत पहलू हैं। देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वन इज हेल्थ द बॉडी, नॉलेज फुल माइंड, इमोशन फुल हार्ट, एक्शन फुल लाइफ। योग से पूरा जीवन अच्छा होता है।
जीवन 10-20 का वर्ष का नहीं होता है, कितने साल का होता है? लगभग 100 ईयर। रोज मंत्र बोलते हो ना, ओम तत्चक्षुर देवहितम, बोलो, पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम जीवेम शृणुयाम प्रब्रवाम अदीना श्याम शरद शतम भूयश शरद शता। 100 साल से भी ज्यादा जीना अपने को। तो योग के फायदे, योग करेंगे 100 साल से ज्यादा अच्छा जीवन जिएंगे, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, प्रसन्न जीवन, हेल्थ अच्छी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी लाइफ, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी रहेगी लाइफ में, पीस रहेगी लाइफ में। सीधे बैठो, फिर सबको सुंदर दिखना है। सुंदर दिखने के लिए लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल चीजों का, कि सुंदर कपड़े पहनेंगे तो सुंदर दिखेंगे, कुछ कॉस्मेटिक लगा के सोचते हैं कि सुंदर दिखेंगे, फिर लोग उसके लिए उल्टी पुल्टी सर्जरियां करवाते हैं कि उससे सुंदर हो जाएंगे। नेचुरल ब्यूटी योग से मिलेगी। और आप सोचो कितनी बीमारियां हो रही हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अर्थराइटिस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एसएलए, एमएस, ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, सब रोग हमारे शरीर में, इवन कैंसर, एवरी पर्सन कैंसर सेल्स, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी, कैंसर सेल्स भी हमारे अंदर ही है, उनको बोलते हैं प्री कैंसर सेल्स एंड पोस्ट कैंसर सेल्स। सो कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, कब, जब योग नहीं करेगा तब। योग इज द अल्टीमेट प्रोटेक्शन, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हमारी लाइफ के लिए, क्या, योग, कितनी बड़ी बात है। सब कीजिए, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, आदत बनाओ, मिनिमम 5 to 10 minutes डेली करना है कपालभाति, हमारे टोटल इंटरनल ऑर्गन्स इससे अच्छे हो जाते हैं। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पिंक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो एक साथ टोटल ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सके। दिस इज द अल्टीमेट एक्सरसाइज, इंटरनल एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज, साइंटिफिक एक्सरसाइज, वेरी इफेक्टिव, वेरी बेनिफिशियल एंड इंस्टेंट बेनिफिट देने वाली एक्सरसाइज। योग नहीं करेंगे तो क्या होगा, बीमारियां, बुराइयां, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, स्कॉब्स, एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, एसएलएमएस, सेटलमेंट डिजीज, कैंसर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और बीमारियों के साथ बुराइयां, कितनी बुरी बुरी चीजें आदमी कर लग जाए। एक अच्छी आदत है योग, योग एक अच्छी आदत है, क्या बोला, बोलो, योग एक अच्छी आदत से फिर कोई जीवन में बुरी आदत नहीं आएगी, कितनी बड़ी बात है ये बात, हमारे दिल में, हमारे मन प्राण आत्मा में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे इमोशंस में, हमारे कॉन्शियस में, हमारे अनकॉन्शियस में गहरी बैठ जानी चाहिए, कि योग की अच्छी, एक अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें खत्म और आएंगी नहीं, दोनों बातें हैं तो खत्म हो जाएंगी और नहीं है तो आएंगी नहीं। नहीं तो कुछ लोग बीड़ी पीने लग जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीने लग जाते हैं, कुछ लोग ड्रग्स लेने लग जाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। बुरी आदतें क्या क्या, सैकड़ों बुरी आदतें, सबसे बुरी आदत सुबह देर से उठना, सबसे बुरी आदत ज्यादा खाना, सबसे बुरी आदत ज्यादा सोना, सबसे बुरी आदत आलस से प्रमाद करना, सबसे बुरी आदत बीड़ी सिगरेट शराब पीना, सबसे बुरी आदत झगड़ा करना, हिंसा, वायलेंस, झगड़ा करना, सबसे बुरी आदत झूठ बोलना। सीधे बैठो और कमाल भाती करते रहो, ये करते रहना, ये करेंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी जो अभी बता रहा हूं। हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये चोरी छोटी चोरी होती है तो बोले चोरी कर ली इसने, ये जेब काट ली,
इसने उसके चैन छीन ली, ये छोटे चोर है। फिर बड़े चोर ऑफिशियल बैठे हुए, ऑफिसर्स ऑफिसम ऑफिसम ऑफिशियल चोरी हो रही है। बोले ये तो मेरी नौकरी है, इसके अलावा ऊपर से क्या दोगे, ये काम करना है तो इतना, ये काम करना है तो इतना, 5-10 हजार से लेकर के 5-10 लाख, 5-10 करोड़ और 500 हजार करोड़, जो बड़े बड़े। फिर पहले होता है, बोले ये रिश्वतखोरी, पहले चोरी फिर रिश्वतखोरी, फिर और ज्यादा करने लग गए तो करप्शन, और बड़ा कर दिया 10-20-50 हजार लाख करोड़ का, तो क्या बोलते हैं स्कैम। पहले चोरी, फिर रिश्वतखोरी, फिर भ्रष्टाचार, फिर घोटाले। ये क्या है, ये बुरी आदतें हैं, बुरा बुरी सोच है। जो हमने मेहनत करके नहीं कमाया उसके ऊपर हमारा अधिकार, जोर से बोलो, जो हमने मेहनत करके नहीं कमाया उस पर हमारा अधिकार। हमने मेहनत नहीं की, दूसरे ने मेहनत की और उसकी हमने नकल कर ली, तो ये क्या है, ये पढ़ाई में भ्रष्टाचार है नकल करना। जो हमने मेहनत नहीं की तो हम उसके लिखने के अधिकारी नहीं है। सब जगह भ्रष्टाचार है, पढ़ाई में भी भ्रष्टाचार है, पढ़ने पढ़ाने वालों में भी भ्रष्टाचार है। अपना पाठ ठीक से नहीं पढ़ाया तो ये भ्रष्टाचार है, ठीक से नहीं पढ़ा तो ये भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार क्या होता है बोलो, भ्रष्ट आचरण। ये भ्रष्टाचार बहुत बुरी आदत है। फिर दुराचार व्यभिचार, कमाल भाती करो, सीधे बैठो, आराम हराम है, बोलो आराम, कार्यांतर ही। तो कपाल भाती करते करते थक गए तो अनुलोम विलोम कर लो, चलो सीधे बैठो, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया। मैं बोल रहा था बुरी आदत करो अनुलोम विलोम, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, घोटाले, फिर दुराचार व्यभिचार, फिर लूट मार, उसको परिग्रह कहते हैं, सब मेरे पास आ जाए, सब धन दौलत और बिना मेहनत के, इजी मनी जिसको बोलते हैं, परिग्रह। फिर अपवित्रता, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, आत्मा में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में, खानपान में अपवित्रता, व्यापार में, व्यवहार में, स्वभाव में अपवित्रता, अशुचिता, असंतोष और संघर्ष न करने की भावना, डरपोकपना, विलासिता, आराम तलबी, आलस्य प्रमाद। फिर आत्मविमुखता और नास्तिकता, ये बड़े 10 दोष हैं। और अच्छे गुण क्या है, ये तो मैंने बोला, हिंसा, झूठ, बेईमानी आदि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वा, ध्यय, प्रधान, ये अच्छे अच्छे स्वभाव है, ये अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार है। अनुलोम विलोम करो, योग करने से बुरी आदतें, बुरे संस्कार, बुरे भाव, दुर्विचार, अनुलोम विलोम करते रहिए, अनुलोम विलोम करो बेटा, चुपचाप नहीं बैठना है, दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म, इनसे मुक्त हो जाते हैं। ये बुरी बुरी बातें हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे विचार हैं, बुरे संस्कार हैं, अनुलोम विलोम सब करेंगे। कोई चुपचाप नहीं बैठे, योग के समय योग न करना ये भी बुरी आदत है, पढ़ाई के समय पढ़ाई न करना ये भी बुरी आदत है, इच्छा ना होने पर भी योग के समय योग करो, करो बेटा, हाथ नीचे नहीं, ए बेटा सीधे सामने देखो, हाथ उठाओ, करो बेटा, इधर उधर मत देखो, ए बेटा हाथ उठाओ, गलत बात, इधर देखो, आदत, हाँ इधर सामने देखो, आप पीछे मत देखो, आपको ही बोल रहा था, आप हाथ नीचे रखे वैसे बैठे देख रहे थे किसी, गलत बात। योग के समय योग करना बुरी, योग ना करना बुरी आदत, सीधे बैठो करो सब, पढ़ाई के समय पढ़ाई ना करना, काम के समय काम नहीं करना, जो काम जब करना है तब करना है, इच्छा ना हो तो भी करना है, क्या बोला बोलो, इच्छा नहीं हो तो भी करना है, अच्छी आदत इच्छा ना हो तो भी करो, और बुरी आदत बुरा स्वभाव ना। चलो सीधे बैठना है सबको, और 5-7 मिनट लगातार करने की आदत बनाओ, आदत नहीं है तो भी बनाओ, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करना,
और बुरा काम, बुरा विचार, बुरी भावना, बुरा काम इच्छा होने पर भी नहीं, इच्छा होने पर भी नहीं करना, दुर्विचार दुर्भावना दुर्कर्म। चलो सीधे बैठो, अभी आदत बनाओ करने की। शांत होकर के करना, अपने आप ध्यान लग जाएगा, मन शांत हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा। सुबह एक बार योग कर लिया ना एक घंटा, तो फिर हम 14-15 घंटे तक अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये है योग की महिमा। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। न हो वे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। न हो वे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। अनुलोम विलोम लगातार करो, बाएं नाक से जब लब वगैरह श्वास लेते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाता है, एंड राइट नोस्ट्रिल से जब श्वास लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन पूरा एक्टिवेट होता है। राइट एंड लेफ्ट ब्रेन जब दोनों पूरे एक्टिवेट होते हैं तो फिर हमारे मन में अंतर्द्वंद नहीं चलता। नहीं तो एक मन कहता है योग कर ले, पढ़ाई कर ले, अपने विचार, अपने भावना, अपने कर्म अच्छे कर ले, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव अपना जीवन अच्छा बना ले। दूसरा मन कहता है मौज मस्ती कर ले, ठीक है ऐसे ही चलने दो, पागलपन, उन्माद, मद, अहंकार, लापरवाही। ना, अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को, दिमाग को अच्छा बनाने के। नहारे हम परिस्थिति से, बदल दे प्रेम से दुनिया। नहारे हम परिस्थिति से, बदल दे प्रेम से दुनिया।
बदल दे प्रेम से दुनिया, समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए, समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए योग का। अब कुछ ऐसे कर रहे हैं, बस थोड़ी देर किया फिर हाथ नीचे, फिर उनको कहना पड़ता है बेटा कर लो। ऐसे मत बनो कि बार बार आपको कहना पड़े बेटा योग कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा ये कर लो। बार बार कहना नहीं पड़े, आप बिना कहे योग करें, बिना कहे पढ़ाई करें, बिना कहे अपना काम करें, बिना कहे, बिना कोई टोकना ना पड़े किसी को। हम आपको ऐसे सच्चे और अच्छे बच्चे देखना चाहते हैं। आप ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनना है सबको। हमको जिंदगी में कभी टोकना नहीं पड़ा हमारे गुरुजनों को कि बेटा पढ़ाई कर लो, घर में भी किसी को नहीं कहना पड़ा कि काम कर लो। चलो अब थोड़ा एक बार आप भी प्रार्थना कर लो। कर लिया आपने। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, ना एक पल दूर तुमसे हो। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए, बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए, तुम्हारे यंत्र बन जाए। हम सब मूलतः ईश्वर की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की धरती माता की संतान है। भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य प्रेम संवेदनाओं से, भगवान की दिव्य शक्ति सामर्थ्य से जुड़ना यही योग है। आओ पहले अंगुली माथे पर, शेष तीन अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से होगा और हम पूरी तरह से भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान की दिव्य संवेदनाओं से, भगवान के दिव्य सामर्थ्य से जुड़ करके भगवान के पूरे यंत्र बन जाए, स्वयं भगवत स्वरूप बन जाए, नर से नारायण जीव से ब्रह्म हो जाए। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि शिवोऽहम् शिवो। लंबा गहरा श्वास भरेंगे,
दोना ध्यान मुद्रा उद्गीत प्राणायाम ओ मौन हो जाए पूरी तरह से शांत कंप्लीट साइलेंस एकाग्रता सहजता प्रसन्नता श्वासों के साथ लयबद्धता दीर्घ और सूक्ष्म श्वास आज्ञा चक्र में ओम की आकृति बनाए विजुलाइज करें ओम जो इस सृष्टि का कर्ता नियंता आश्रय दाता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक अजर अमर नित्य अविनाशी भगवान परमात्मा मैटर और एनर्जी का जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो ये मैटर भी उस एनर्जी से उत्पन्न होता है और वो जो सुप्रीम एनर्जी सुप्रीम पावर वो सुप्रीम सोल परमात्मा उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है उसी निराकार से यह साकार सगुण व्यक्त उत्पन्न हुआ दिस होल यूनिवर्स दिस विजिबल एग्जिस्टेंस इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ आवर माइंड ऐसे पिंड में ब्रह्मांड में सर्वत्र इस रचना के पीछे उसी रचयिता पिता परमात्मा को अनुभव करना आज्ञा चक्र में थोड़ी देर ओम का ध्यान करना अब दोनों हाथों को ऊपर उठाना दोनों हाथों को आपस में रगड़ा दोनों हाथों को आंखों पर रखा और आंखें खोल दी ऐसे हर रोज हमें थोड़ी देर ओंकार ध्यान करना है ऐसा योगाभ्यास करने से हमारा शरीर बलवान बनता है क्या बोला बोलो शरीर मस्तिष्क प्रज्ञावान बनता है मस्तिष्क हृदय श्रद्धावान बनता है और हम संस्कारवान और चरित्रवान बनते हैं संस्कारवान और चरित्रवान बनते हैं और जीवन में ऐश्वर्यवान बनते हैं और इसी को कहते हैं हम महान बनेंगे महान बनते हैं और जब हम महान बनेंगे तो हमारा भारत महान होगा तो ये है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण युग निर्माण की यात्रा योग